11 साल के हुए तो हम लोग ऐसे ही हो गए। हमारे अब्बू बहुत दवा दवा कराए, गोरखपुर ले गए, लखनऊ ले गए। हम लोग का रिपोर्ट लखनऊ से अफ्रीका गया, वहाँ से आया तो डॉक्टर बोला कि ये नहीं ठीक हो सकता है, कोई बीमारी नहीं है। तो ऊपर वाले का करम है, ऐसा हो गया, अब लेकर के जाओ, ये नहीं ठीक हो सकता। तो हमारे अब्बू घर लेकर के चले आए और प्रधान से कहे और नेता होता सबसे कहे, मगर हम लोग की कोई मदद नहीं करता है। हम लोग प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से ये चाहते हैं कि हम लोग को आवास मिले, रहने के लिए घर रहे और हम लोग का पेंशन ना रुके, हमारी मदद करे। 12 साल के थे तो हम लोग को कमर से लूज होता चला गया। हमारे अब्बू गोरखपुर ले गए, गोरखपुर से फिर रिपोर्ट ले गए, लखनऊ भेजा तो हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ दिखलाए, वहाँ से रिपोर्ट, वहाँ गया अफ्रीका, गया अफ्रीका से आया तो फिर उसका देखे कि उसका इलाज कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि नहीं घर ले जाओ, ये बीमारी नहीं है, ये नहीं ठीक हो सकता। तो हम लोग घर चले आए। उसके बाद आने के बाद हमारे अब्बू यहाँ प्रधान जी से मिले और नेता उतर कहें तो सब लोग कोई मदद नहीं किए। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं हम लोग को रहने के लिए घर मिले, आवास मिले, हम लोग का पेंशन ना रुके, हम लोग यही उनसे मदद चाहते हैं। ये मेरे संज्ञान में ये बात आ गई है कि विकलांग दिव्यांग बच्चियां हैं, उनकी स्थिति दयनीय है और पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। शासन प्रशासन की मंशा है कि ऐसे शोषित वंचित दिव्यांग लोगों की मदद की जाए। उस दिशा में हम लोग सक्रिय हैं और सक्रिय पहल कर भी रहे हैं। दिव्यांग जन अधिकारी को जाँच करने के आदेश दे दिए गए हैं। जाँच में जो पाया जाएगा उसके अनुसार उनकी जो अनुमन्यता होगी उसके अनुसार भरपूर मदद की जाएगी।